की दलदल में फंस गए हैं, किसी तरह भी कर्ज आपके ऊपर हो, गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, किसी साहूकार से लिया, किसी रिश्तेदार से लिया, बैंक का लोन है, ओडी लिमिट है आपका, आपका किसी एनबीएफसी का पैसा है, किसी तरह का भी लोन है, और अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो मैं आज आपको तरीका बता रहा हूं कैसे आप कर्जे की दलदल से पूरी तरह बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले तो कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़िए और मैं और मेरी पूरी टीम आपकी कर्जा माफी के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे सभी लोग जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, लॉकडाउन के बाद, नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, किसी भी कारण से नौकरी छूट जाने के कारण या व्यापार बंद हो जाने के कारण या व्यापार कम हो जाने के कारण व्यक्ति लोन नहीं चुका पा रहा, वो सभी लोग निःशुल्क कर्ज भारत अभियान में फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। यह अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। दूसरा काम क्या करिए, फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके की ट्रेनिंग अटेंड करिए। ट्रेनिंग आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप गूगल पे सर्च करिए कर्ज मुक्त भारत अभियान या सर्च करिए कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके। वो ट्रेनिंग के दो पार्ट हैं, वो ट्रेनिंग अटेंड करिए, उसमें 20 से ज्यादा तरीके बताए गए हैं, कोई ना कोई तरीका आपके काम जरूर आएगा, आप कर्जे की दलदल से बाहर निकल पाएंगे। तीसरा, कर्जा उतारने के लिए कर्जा मत लीजिए। बहुत सारे लोग कर्जे की दलदल में इसलिए फंसे जा रहे हैं क्योंकि वो एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा ले रहे हैं और एक करके दो, एक से के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, करते करते आज इतना ज्यादा कर्जा हो गया, मूल 5 लाख 10 लाख था और आज अमाउंट जो हो गया वो 50 लाख हो गया है। अब वो कर्जे की दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसी को कर्जे की दलदल कहा जाता है। घबराने से, परेशान होने से, कोई गलत कदम उठाने से कोई हल होने वाला नहीं है, कोई गलत कदम नहीं उठाना। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरी पूरी टीम आपकी लड़ाई लड़ रही है और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, एक एक व्यक्ति का, एक एक रुपए का कर्जा माफ कराया जाएगा, आपको पूरी तरह कर्जे की दलदल से बाहर करेंगे। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, अपनी तरफ से प्रयास करिए, कर्जे के से बाहर निकलेंगे ट्रेनिंग भी लीजिए, फॉर्म भी भरिए, सरकार से भी बात करें। पीएमओ में हमारा लेटर जा रहा है, वित्त मंत्रालय से हमारी बात हो रही है, आरबीआई को हम लेटर भेज रहे हैं, लगातार जनता की समस्या के बारे में पूरी टीम काम कर रही है और मेरा पूरा विश्वास है जल्दी ही सरकार इस पर संज्ञान लेगी, सरकार जल्दी ही लोगों का कर्जा माफ करेगी। जब तक सरकार कर्जा माफ नहीं कर रही है, आप अपनी तरफ से प्रयास करते रहिए। मुझसे कोई मदद चाहिए तो बताइए, जिस राज्य भी आप रहते हैं मैं आपके राज्य में आऊंगा, वहां मिल सकते हैं, दिल्ली में आप उससे आकर के मिल सकते हैं। मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया था, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, मुझे सर से अपॉइंटमेंट चाहिए, दिल्ली में या दिल्ली के बाहर जब भी मैं आऊंगा वहां आपसे मुलाकात कर सकते हैं, आप जब दिल्ली आने वाले हो वहां मिल सकते हैं मुझसे। मेरा नंबर है 9891299628, 9891299628, इस पर आप अपनी जानकारी व्हाट्सएप करिए और बोलिए कि मुझे सर से अपॉइंटमेंट चाहिए, अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, दिल्ली में आकर मिल लीजिएगा या बाकी राज्य में जब मैं आऊंगा वहां मुलाकात कर सकते हैं। कोई गलत कदम नहीं उठाना है, मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आप कर्जे की दलदल में फंसे इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है और सरकार की गलती की सजा आपको नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलनी चाहिए।